उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के शहर के मोहल्ला हल्लू सराय निवासी कारोबारी मनमोहन रस्तोगी के बेटे शिवांग रस्तोगी ने 12वीं की परीक्षा बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल संभल से उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय दिल्ली से बीकॉम किया और आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच इग्नू से एमकॉम भी किया। 2019 में शिवांग रस्तोगी ने संघ लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2020 और 2021 में प्री परीक्षा में सफलता मिल गई, लेकिन मेन एग्जाम में असफलता मिली। चौथी बार 2022 में संघ लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षा दी। इसका परिणाम आने पर खुशी का माहौल बन गया। शिवांग को 307 रैंक मिली। इसकी जानकारी होते ही परिवार में दिवाली जैसा माहौल बन गया। मेरा नाम मनमोहन रस्तोगी है, मैं हल्लूसरा निवासी हूँ। मेरे बेटे शिवांग रस्तोगी ने आज हमारे परिवार पूरे शहर समाज के लिए गौरव का और खुशी का दिन है। उसने क्या है, ये उसकी बहुत कठिन परिश्रम का आज नतीजा है और मैं सबके लिए ये कहना चाहता हूँ कि परिश्रम करो और एक अपना एम बना के चलो कि हमको यही करना है। मेरे बेटे ने यही कहा था कि मैं इसका मेरा यही एम। मंगलवार की शाम दिल्ली से लौटने पर शिवांग का परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। दादा विष्णु शरण रस्तोगी, पिता मनमोहन रस्तोगी और मां रीति रस्तोगी सहित परिवार और मोहल्ले के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ शिवांग को फूलों की माला पहनाकर मिठाई खिलाई। मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा इस बात का लग रहा है कि मेरे आसपास जितने भी रिलेटिव हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, सब काफी खुश हैं, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस बात। क्या प्राथमिकता रहेगी, चार्ट जैसे लेंगे आप? देखिए, प्राथमिकता डिपेंड करती है कि क्या पोस्टिंग क्या मिलती है और जॉब क्या मिलती है, बट बेसिक प्राथमिकता यही रहेगी कि हम एजुकेशन की फील्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं जरूर कुछ करना चाहूँगा, जिससे देश की आधी जनसंख्या अगर सशक्त होगी तो देश काफ़ी ऊँचाई हासिल करेगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ थोड़ा कुछ कृषि के क्षेत्र में अच्छा करना। क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं जो आपके नीचे जो एजुकेशन और वर्की कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ आएंगी और क्या आपको एक्सपीरियंस रहा? देखिए, यूपीएससी अनडाउटेडली एक चैलेंजिंग एग्जाम है, तो कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है और कठिनाइयों को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मैं शुरू के अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो मेरा यही है कि आपका गोल क्लैरिटी होनी जरूरी है। आपको क्यों करना है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और आपको आपका डेडिकेशन क्या है, पर्पस क्या है, वो बहुत जरूरी है क्लियर होना। उसके बाद कठिनाई आएगी, आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आप हार्डवर्क से घबराएंगे नहीं, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। मुद्दा आप तक के लिए संभल से रजत मल्होत्रा की रिपोर्ट।